नमस्कार इंसाफ टीवी देख रहे दर्शकों का फिर तो स्वागत है। अज गुरदासपुर विच कांग्रेस की रैली विच पहुंचे पंजाब प्रदेश के प्रधान सुनील जाखड़, कीते मोदी सरकार ते तिखे हमले, लिया मोदी सरकार नू दोने हथी। दस दिए कि पंजाब सरकार वालों किसान कानूनों नू लैके जिथे शुरू की रैलियां के तहत अज गुरदासपुर विच रैली की गई, जिथे कांग्रेस प्रधान सुनील जाखड़, कैबिनेट मंत्री अरुणा चौधरी, गुरदासपुर के विधायक वरिंदर मीत सिंह पाड़ा, श्री हरगोबिंदपुर के विधायक बलविंदर सिंह लाडी विशेष तौर पर उत्थे पहुंचे सन। इस दौरान सारे नेतावान ने केंद्र के खिलाफ किसान कानूनों लैके जम के भड़ास कढ़ी। उत्थे ही पंजाब प्रदेश कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ ने मीडिया नाल गलबात करदिआं कहा कि पंजाब विच बिजली संकट नूं लैके दस्या जा रहा है। उत्थे उन्होंने कहा कि पंजाब विच अजे तक कई संकट आने वाले हैं, सारे पंजाब के अंदर फिक्र गुस्सा है क्योंकि पंजाब वासी समझ ही नहीं पा रहे कि पंजाब विच एक्चुअली हो की रहा है। उन्होंने मोदी साहब के उपर आरोप लांदिआं कहा कि मोदी अंबानिया का फायदा पहुँचा रहा है, किसान मुक्त किसानी करन दी गल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 65,000 टन की सीसीआर लिमिट किन्हां दे कोल है सवाए अंबानी अडानिया के कोल। उन्होंने कहा कि किसान पास मात्र 50,000 की लिमिट है, इस बात की चिंता किसानों नूं खाई जा रही है। उन्होंने कहा कि 11,000 करोड़ रुपए की गल बीजेपी लीडर कर रहे हैं, पर मैं बीजेपी लीडरों नूं कहना चाहता हाँ कि जांच करनी चाहिए है कि 31,000 करोड़ की कर्जा सुखबीर बादल जब डिप्टी सीएम सन उस वेले पंजाब करजई होया। देखो किवें सुनील जाखड़ ने केंद्र दी मोदी सरकार अते अकालियां नूं अपने निशाने ते लिया। तो सारे पंजाब दे किसानां दे अंदर, सारे पंजाबियों के अंदर, चाहे व्यापारी भरा है, चाहे साडे नौजवान है, चाहे मजदूर साथी है, अज बड़े फिक्रमंद है। उन्हां दी अखां च पा के देखो, अख पा के देखो, पता लगता है। कल मैं अजनाले भी गया, अटारी भी गया, अज इत्थे गुरदासपुर आके किसानां दे मैं चेहरे पढ़े है, देखे उन्हां दे चेहरे ते जिथे गुस्सा है उत्थे फिक्र भी है, चिंता च है भी आ होण की लगे, क्यों साडियां जड़ां पट्टण लगे है। क्योंकि इत्थे एक बड़ी चर्चा नलके पट्टण की बड़ी गल हुंदी है, मैं कहना नलके पट्टण पुट्टण का टाइम तो हुण पासे रह गया। हुण जिहड़ी मोदी साहब की सरकार है, किसानां दीआं पंजाब दीआं जड़ां पट्टण लगे, सानू खतरा उस गल दा है, किसानां दा अज जिहड़ा खतरा है, इस गल दा खतरा है भी मोदी साहब किसानी नूं जड़ों पट्टण लगे है, आ किसानी इहनूं कारपोरेटाइज़ करन लगे है। जदों तई कोई दवाई नहीं बनती, रोटी का तोड़ नहीं निकलता भी एक सवेरे गोली खा लो, निर्णय काल जे सारे दिन रोटी की लोड़ नहीं पैनी, उदों तई किसानी रहूगी। साहब मोदी साहब जो कुछ कर रहे हैं वो की होगा, जिवें कहिंदे सी ना भी कांग्रेस मुक्त भारत बनाऊंगा मैं, हुण किसान मुक्त किसानी करन लगे है, किसानी रहूगी, किसान नहीं रहना। साहब किसान नूं रोल देणगे, किसान नूं खत्म करन दी आ साजिश है, क्योंकि आ सारा काम वड्डे साहूकारां कोल जांदा रहूगा, छोटा कोई किसी दे आवे ना भी मैं भी टांका ला लूँगा, कोई छोटा व्यापारी इत्थे बैठ के इस चिंता च होवे, बीजेपी वाला कोई ध्यान च होवे नूं नहीं। साहब किहदे कोल पंजाब दे अंदर जिहड़ी सीसीएल लिमिट है, जिन्ना झोना ते कणक चकदे आ करीबन 65,000 करोड़ रुपये की लिमिट किहड़े कोल है, इत्थे 30,000 करोड़ की लिमिट तो लोड़ पऊगी हरेक सीजन के अंदर, किहड़ा व्यापारी है जिहदे कोल हैगी साहब 50,000 की लिमिट होंदी है किसान कोल, तां किसान क्रेडिट कार्ड दे उत्ते कौन करूगा, इस गल की चिंता है लोगों के विच। ते मोदी साहब उन्हां दी चिंता का हल कढ़न की बजाय बांह मरोड़ी जांदे आ। असीं तां अपील कीती सी भी मोदी साहब पंजाब की बांह फड़ो, किसानां दी बांह फड़ो, उन्होंने बांह की फड़ी है, बांह मरोड़ी जांदे आ। साहब पंजाब ने माड़ा की किया मोदी साहब का, पंजाब ने GST भी नहीं मिलिया ते हुण RDF बांह मरोड़ना। साहब दिस इज़ ए प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं मोदी साहब भी, मैं पंजाब दीआं गोडियां लवा के रहूँगा, आई विल मेक दम बाउ डाउन, नहीं होंदा साहब दे भाई। अज जिहड़ी कह के आए भी लोकतंत्र दे अंदर जिहड़ा प्राइम मिनिस्टर है, जिहड़ा शासक है, वह अहंकार नहीं रख सकता साहब, ही हैज़ टू, वो वड्डा दिल चाहिए, वड्डा जिगरा चाहिए, लोगों की गल सुन के वो ते मलम लाने की गल करे, जख्म देने की गल ना करे, आ तो जख्म दे ही जाते हैं। 1100 करोड़ रुपये की गल मैं अज बीजेपी के बड़े सीनियर लीडर के बयान सुन रहा, कहते इसकी जांच करने में क्या बुराई, हम जांच करेंगे।
मैं उन्होंने पूछना चाहना बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर साहब को पूछना चाहना, प्राइम मिनिस्टर साहब जो जांच ही करनी सी तो 31,000 करोड़ के घोटाले की करो। 31,000 करोड़ रुपया जोड़ा घोटाला सुखबीर बादल जी जिहड़े डिप्टी चीफ मिनिस्टर सीगे, आदेश प्रताप कैरों जिहदे विच फूड सप्लाई मंत्री सी, उन्होंने 10 सालों के अंदर पंजाब का 31,000 करोड़ रुपया खाधा, जाके वादा माफ गवाह बने सेंटर के अंदर दस्तखत करके आए आदेश प्रताप कैरों जी भी असी अकाली सरकार ते बीजेपी भाईवाल सीगे ते आ 31,000 करोड़ रुपया पंजाब उन्होंने केंद्र नूं देगा। उहदे करके आ जिहड़ी शांता कुमार कमेटी जी की रिपोर्ट है जिहड़ी कहिंदी FCI बंद करो क्योंकि FCI दे अंदर करप्शन बहुत है, घपले बहुत है, उन्होंने सुखबीर सिंह बादल, सरदार प्रकाश सिंह जी बादल ते इन्हां दी सरकार ने जाके दस्तखत करते भी हाँ FCI दे विचों असी 31,000 करोड़ रुपया खा लिया तो साडा कोई वाल भी बिंगा नहीं होया। तां उन्होंने मोदी साहब ने कहा भी आप बंद करो, हुण FCI बंद करन दा बिल्कुल सही मौका आ गया क्योंकि पंजाब दी सरकार ने ऐ नहीं सी पता वह पंजाबी नहीं साहब, वह नकली जिहड़े किसान है वह नकली इत्थे पंजाब दा लीडर होने का दावा करते हैं, पंजाब नूं जड़ां पट्टण दे विच अकालियां दा बराबर दे भागीदार है अकाली ते बीजेपी दोनों। जाखड़ साहब पराली जलाने के उत्ते भी उन्होंने कह दिता कि 1 करोड़ का जुर्माना ते 5 साल की सज़ा आ गया कानून के अज। हाँ जी आ गया जी, मैं अजे कानून देखा नहीं। देखो साहब आ जो कुछ भी बन रहा ना अज सारा पंजाब सेंट्रिक हो रहा, पंजाब के उत्ते अख है, कहिंदे ना जी मेरी उहदे अख है, मोदी साहब अख जे कौड़ी रखनी है तो चाइना का नहीं रखो, असी की बिगाड़िया है, असी तो बॉर्डर से बैठे हाँ। पहला तुसीं साडा रूर आ जाओ बॉर्डर एरिया डिवेलपमेंट फंड सीगा, तुहानूं सारयां नूं पता है कांग्रेस ने चालू किया, इन्हां दी सरकार आई सब तो पहला बॉर्डर वाले नूं पे साडे जिहड़ा सीगा उह 60% करदा, कहिंदा 40% स्टेट पावे, हुण किसान फिर कहिंदे अगे की लिखिया कानून च जे करोड़ किसी को ना होवे देण नूं फिर किसान नूं अंदर करनगे। देखो बड़ा सिंपल जिहा हल है, मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल पंजाब दे उत्ते 450 करोड़ रुपया जुर्माना लाता। मैं कहना भी जुर्माना लाना है मानयोग सुप्रीम कोर्ट जुर्माना लावे मोदी साहब की सरकार से भी किसानों दे दो 100-100 रुपये MSP च पा दो, इनू प्रोडक्शन कॉस्ट दे विच पा लो, भी झोना उगाण की जिहड़ी कीमत तय कर दी है CACP उहदे विच पा दो, भी आ झोने पराली की सांभ संभाल से 100 रुपये लगते हैं तो 100 रुपया वधाता आ सारी पराली असी चक के बना के फैक्ट्रियां सिट देंगे। नहीं साहब उन्हां दी मंशा अज पराली दा नहीं, अज मंशा है पंजाब नूं खत्म करन दी। देखो आ एक बड़ी सोची समझी साजिश दे तहत सारा कुछ हो रहा है, आ दी शुरुआत तां कुछ दिन पहला ही हो गई सी काले कानून आने तो पहला, जदों आ पंजाबी खत्म कीती है ना जम्मू दे अंदर, जम्मू कश्मीर दे अंदर सब एक बड़ी बड़ी साजिश है। भागवत जी दे बयान पंजाबी खत्म करना, पंजाब दियां गोडियां लवानियां, पंजाब दा गला हुण तां गला कुट्टी जांदे आ, गोडा धर रखे साडे गर्दन दे उत्ते, इस तरह लोकतंत्र नहीं चलदा। लोकतंत्र दी मर्यादा उहदी रिस्पैक्ट करनी सिखो साहब, किसानां नूं अजे भी नहीं कहना भी उह साडे नाल गल करन कांग्रेस दे नाल गल करन, नहीं किसानां नाल बुला के गल करन, उहनां दा दर्द समझण, उन्हां दा मसला हल करन। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है जी पंजाब सरकार नूं रेलवे ट्रैकां नूं लै के ते प्लेटफार्मां नूं लै के, क्योंकि उन्हां दा कहना कि हाले भी 4 रेलवे ट्रैक अते 29 प्लेटफार्म किसानां ने अपने कब्जे थले रखे हुए हैं, खाली क्यों नहीं कर रहे, क्यों पंजाब सरकार नूं हाई कोर्ट आदेश ना दे इस काम लई। हाई कोर्ट अज तो हाई कोर्ट तो बड़ी बहुत वड्डा एक रुतबा है साहब, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वह एक लास्ट रिजॉर्ट हुंदा सी, भी सारे लोगों की आस्था हुंदी सी भी इत्थे जाके सानू न्याय मिलेगा, वह तो बहुत वड्डियां चीज़ें हैं। मैं कहना भी सानू तो मोदी साहब वाली सरकार ही लई बैठी है, पहला उत्थे तो जाने की लोड़ ही नहीं पैनी, इन्होंने पहला जे करोड़ रुपये के फाइन लैके या लाते तो कल आ भी कह देंगे भी एक रेलवे स्टेशन बंद है या एक प्लेटफार्म से कितने किसान बैठे है तो असी सवेरे इन्हें इन्ने करोड़ का ला देंगे, मसला वो नहीं है साहब, मसला पंजाब दियां गोडियां लवाण दा है, जे उतों खाली कर देंगे कुछ होर भाना पाल लैणगे। अज पंजाब सूल वांगू चुभ रहा है BJP दी अखां दे अंदर कि पंजाब नूं असी टिकाणे लाणा है, पंजाब नूं नीवां दिखाणा है, पता नहीं पंजाब ने बिगाड़िया की है, असी कुर्बानियां दित्तियां, असी टिड भरिया हिंदुस्तान दा, फूड बास्केट है, खड़ग बुझाया है, जदों कारगिल दी लड़ाई हुई तां पंजाबियां ने शहादतां दित्तियां, 62 दी हुई तां, 65 दी हुई तां, 71 दी हुई तां, पंजाबियां दा हरेक तां नाम बोलदा है, काला पानी तो लैके इत्थे ताईं असी इत्थे बैठे हाँ, पर पता नहीं क्यों साडे ते कौड़ी अख है, कौड़ी अख रखो चीन वाले पासे करो, इधर करो आ जिहड़े इधरले पैसे बैठे है ISI वाले इन्हां दे उत्ते करो, पर पंजाब दे अंदर किसान दी गल सुनो, इन्हां दी सारियां लाइनां खालियां हो जाणगियां, सारा हो जाण गया। MSP सवेरे
मोदी साहब अगर आके किसानों नाल गलबात करके रेलवे ट्रैक भी खाली हो जाएंगे, प्लेटफार्म भी खाली हो जाएंगे। ट्रेना तो तुसी वैसे बंद कर रखी है, फिर मैं पता नहीं भी क्यों इन्हों इन्ना खतरा होया, खड़ा ट्रेन तो वैसे नहीं चला रहे। सर कोविड 19 को लैके जो सरकारी राशन आया सीगा वो खराब हो रहा, खराब हो गया, टोया के विचों लभ्या और लोगों तक नहीं, गरीब लोगों तक नहीं पहुँचे और गरीब लोग अपने सूबे नूं चले गए। सब जिन्ना राशन पंजाब के अंदर वंडिया गया मेरे ख्याल से किसी सूबे च इन्ना सिस्टमैटिक तरीके नहीं वंडिया गया। जे कि इस किस्म की घटना जी अखबारों से अज आई है, जिहड़ा उत्थे बठिंडे दे कोल कुछ पकड़े गए है, बठिंडे दे अंदर पहला भी जदों तुसी देखो सीड स्कैम किरां होया सीगा, जदों अपने वाले लंगा साहब सीगे मंत्री इत्थे, जदों मैं ही उन्हां दे खाते फरोले सीगे सीड स्कैम वाले उत्थे बठिंडे दे अंदर, इन्हां दे कोई ना कोई जिहड़े लोग है इन द जिहड़े PDS सिस्टम दे अंदर, उन्हां ने किते कोई ठगी कीती आ, उन्हां नूं बख्शा नहीं जाऊगा। बट जिथे तां गरीबां नूं समान मिलण दा मकसद सीगा, हरेक दी मदद दा मतलब सीगा, इत्थे तो देखो पंजाबियों ने तो सरकारी तो मदद होनी होनी सी, गुरु का लंगर रस्ता जाके अमरीका तो ही वंडिया सब, लंडन के साडे पंजाबियों ने जाके लंगर लाए, किसी को रोटी करके नहीं जाना पिया। सरकार ने इतों करीबन 6.5 लाख बंदियां नूं घरे अपनी गड्डियां ते पैसे दे के करीबन 30 करोड़ रुपये तो फालतू पैसे दे के घरे भेजे, जेड़ा भी कोई एदा गुनाहगार उन्हें पकड़े जाए। तरुण चुग ने कहा है कि जाखड़ हमेशा ही स्टेज तो ऑर्डिनेंस के खिलाफ बोलते हैं, जबकि असं उन्होंने कहा कि लिखती दें कि ऑर्डिनेंस की गलत हैगा, हाले तक लिखती नहीं दिता। मैं चुग साहब न तो बेनती की करा, चुग साहब तो मेरे वर्ग ही है पोले सियाने। मैं अश्विनी शर्मा जी गल की सी जिहड़े BJP के प्रधान है, भी आओ बैठ के आपां इत्थे गल बंद कमरे के अंदर है, जो भी कोई ना कोई गंढ तो वापस से करी जाते हैं, जाखड़ के BJP कुछ ना करी जाते हैं। मैं तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वो जगह है जितों ग्रीन रेवोल्यूशन आई सी, जितों हिंदुस्तान का ढिड भरया है, उत्थे साढ़े अगली पीढ़ी उन्हां चों एग्रो इकोनोमिस्ट निकलने हैं, उन्हां चों खेतीबाड़ी माहर निकलने हैं, वो सारी गल समझते हैं, उत्थे बैठ के गलबात करिए। मैं अपना पक्ष रखदा भी मैं क्यों इन्हां नूं माड़ा गिणदा, अश्विनी शर्मा जी अपना दस दिन भी इस करके चंगे है, तो वो बाद सवाल जवाब वो कर लेंगे जो नौजवान है, प्रोफेसर बैठे उत्थे एग्रोनोमी दे बैठे है, इकोनोमी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बैठे है, इकोनोमिस्ट बैठे है, वो कर लेंगे साढ़े नाल गल गल पानी का पानी दुध का पानी। मेरी बेनती सी, मैं कोई चैलेंज नहीं किया, मैं इतने जो MP साहब लड़ना है उदों भी वो बुरा मन गए, मैं तो कैसे आओ बैठ के गलबात कर ली, एवं संघ पाड़ते फिरते हैं, कहते मैं चैलो, मैं चैलेंज नहीं, मैं तो गल कर लीए, क्यों संघ पाड़ते फिरते हैं, लोगों को धुप च बिठा रखे, आओ गल कर लें। मैं उन्होंने बेनती की सी, या तो मनु अपने मगर ला लो, सहमत कर लो भी आ इस करके ठीक है, या मैं थोनू सहमत करदा भी दसो मेरे वाली गल च नुक्स कितने है। पंजाब का मसला है ना BJP का मसला है, उन्होंने तसव्वुर नाल मसला, पंजाब नाल कोई लेना देना नहीं, साढ़े वास्ते पंजाब प्रमुख है, पंजाब मुख साडा मुद्दा है, असी पंजाब नू बचाण वास्ते, जे उन्होंने नहीं पता किसानी का तो सब तोमर साहब नू बुला दिओ, मैं तोमर साहब नू इनविटेशन भिजवा देना मुख्यमंत्री को, जो प्रोटोकॉल का फर्क पैंदा वी सुनील कौन आंदा मेरे को बुलाने वाला, तो सुनील मैं मुख्यमंत्री साहब का इनविटेशन भी आओ जी पंजाब के किसानों नू दसो तो असी उत्थे अपनी गल रख लेंगे, वह भी अपनी गल रख दें। पहला सवाल जी बिजली संकट को लैके की कहना चाहोगे, क्योंकि कोला नहीं हैगा, तुसीं कह रहे हो कि बिजली संकट आ सकदा अगले वर्ष पंजाब सरकार। मैं देखो संकट तो जो बहुत आने साहब, जिस किस्म का एटीट्यूड केंद्र सरकार का पंजाब के प्रति है, आ रवैया एक फैडरल सिस्टम संघीय ढांचा, अज कहिंदा बिना बुलाए बोलते क्यों नहीं, अज मैं बादल साहब नूं पुछना चाहना, बादल साहब चुप क्यों बैठे हो, तुसीं थोड़े परिवार के अंदर प्रधान साहब अकाली दल दे कुछ कही जाते हैं, तो घरों बीबा जी सोले गाई जाते मोदी साहब दे, अजे भी आ जिहड़ी आ संघवाद के उत्ते जिहड़ा चोट हो रही है, पंजाब का गला पैसे रोक ले, इकनोमिक सेंक्शन ला ले, ब्लॉकेड करता, जिमें कहते ना भी ईरान नूं अगर माल भेजा तो थोड़े पैसे जब तो जहाज जब्त कर लेंगे, इस तरह इन्होंने रेलवे का करता भी ना तो कोयला आन देना, ना इतों कोई जिहड़ा बठिंडे अपने की लुधियाने दे फैक्ट्रियां जलंधर बैठी हैं उन्होंने कच्चा माल आन देना, ना उन्हों का फिनिश प्रोडक्ट भेजन देनी, आ एक बहुत गलत ते छोटी सोच है। चुग साहब मैं सारा कुछ लिखते भेज दूंगा, जवाब देने वाले बनो, आओ रड़े मैदान से गल करिए, सारिया गलों का जवाब तुसी भी दिओ, पंजाब हिंदुस्तान की खड़ग भुजा हैगी, रही है, रहूगी, पंजाब नू गले ला के गल करो, किसानों चो बू आन लगी मोदी साहब नू, मैनू इस गल का भी दुख है भी मोदी साहब ने वोटा लिया कहिंदा आ कह के भी मैं गरीब घर से हूँ, चाय बेचता था, तो अजकल गरीबा चो ज़्यादा बू आन लगी, साहूकारां दी छड्डो, गरीबां दी सुध लो। थैंक यू।